उठा लिया है और यहाँ पे हम थोड़ी देर के लिए लेट मार रहे हैं। दीदी अपने फोन में बिजी है। मैं सबकी वीडियो थोड़ा अपलोड करने जा रही हूँ, पब्लिक करने जा रही हूँ, टाइम का पता ही नहीं चला। बना के रखी थी वीडियो। और ये देखो शिवांश, शिवांश तू कहाँ पर है? और इसे फाइनली बाहर में उसी घर पहुँच गया। खिड़की लगी हुई थी। कौन सी बात? पवन दिन है, हनुमान जी का जन्मदिन है आज, तो सारे भक्त मिलके बोलेंगे बोलो श्रीवत रामचंद्र की जय, पवन शुद्ध हनुमान की जय। सो फ्रेंड्स, हमारे मंदिर पे सुंदरकांड हो रहा है, आरती होगी, तो आप जब भी शामिल होइए। मैं जा रही हूँ मंदिर, वहाँ पे सो फ्रेंड्स, यहाँ पे सुंदरकांड हो गया था, हनुमान चालीसा और उसके बाद आरती, तो प्रसाद भी यहाँ पे बांटा गया था। और घर पे मैंने हनुमान जी की इस तरह से की है पूजा, स्पेशल दीप जलाया है और उनके लिए बनाऊंगी मैं भोग हलवा का। तो हनुमान जी के जन्मदिन पर कुछ तो स्पेशल किया जाए, उनसे प्रार्थना करते हैं कि सभी अपने घर और बच्चों पे उनका आशीर्वाद रहे। हनुमान जी इतने प्यारे हैं कि उनको जो भी श्रद्धा से उनका नाम लेता है वो हमेशा अपनी कृपा बना के रखते हैं, हमेशा अपना साथ रखते हैं। तो यहाँ पे मैं जैसे कि आटे का हलवा बना रही थी, उसमें घी में साथ भून लिया था, और आटे के हलवे में हमेशा ना सौंठ जो होती है, ये सौंठ का पाउडर बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है। और मैं हमेशा जब भी हलवा बनाती हूँ तो उसमें सौंठ का पाउडर ज़रूर डालती हूँ, क्योंकि उसकी खुशबू भी होती है और उस वो डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा होता है, पेट के लिए ना। और जिस तरह का मौसम चल रहा है ना, उसमें तो ज़रूरी अजवाइन और सौंठ का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग भी करना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच घी डालने के बाद अच्छे से ब्राउन भून लिया था मैंने यहाँ पे हलवे को, और जितना मेरा बचा हुआ था यहाँ पे इसको मैंने फिल कर दिया था डब्बे में सौंठ के पाउडर को। और जब यहाँ पे मैंने पानी डाल दिया था गर्म करके, उसमें अलग से डाला है घी। और अब शिवांश बाबू कुछ कह रहे हैं, देख लीजिए। एक साथ आ जाते हैं, फिर आने जा रही मैं, और पता नहीं वो कैप्चर होगा कि नहीं कैमरे में, तब देख सकते हैं रेनबो, इतना सुंदर सीन सामने, बहुत सुंदर दिखा था। स्वाति आई थी, वो भी शौक, तो उसे बड़ी खुशी हुई देख के, वो आजाद को लेने गई है, सो रहा है वो, बहुत सुंदर रेनबो बना हुआ है इधर। रेनबो आजाद बाबू, अच्छा अच्छा। सो फ्रेंड्स, ये कोई दुकान नहीं है, ये सारी मेरी दीदी का ज्वेलरी कलेक्शन आपको मैं दिखा रही हूँ। तो मैं छोटा सोच रही थी छोटा सा एक वीडियो शूट कर लेती हूँ, क्योंकि आज तो दीदी ने पूरा अपना भंडार निकाल लिया, पता नहीं कौन सी चीज़ कहाँ से निकाल रही है। और कितनी सुंदर सुंदर, देखो आप भी बताना, हाँ आप भी बताना कि आपको कैसे लगे। देखो ये वाला जो सेट है ये अलग है, और इसी के जैसे ये अलग है, ये बड़े उसमें है थोड़ा सा बिग, और ये छोटा, और एक ये जो चौकर टाइप होता है ये तो मुझे बहुत ही ब्यूटीफुल लगा, बहुत ही क्यूट सा, देखो कितना क्यूट है ना। और ये वाले वो हैं कान्हा जी का, ये मैंने बहुत देखा था, ये बहुत ही प्यारा लगता है, मैं दीदी से पहनती भी हैं, उनके सुंदर लगते हैं, उनको पसंद है ऐसी चीज़ें, उनके ऊपर अच्छे भी लगते हैं। तो देखो ये है ना, बस सब बढ़िया सा। और ये है कुछ लॉन्ग टाइप में, जैसे साड़ी के ऊपर लॉन्ग ऐसे पहनने के लिए, तो एक दीदी के पास ये है, ये देखिए पूरा सेट, ये इयर रिंग्स अलग रख देती हूँ, इतने ज़्यादा है ना कि कौन सी चीज़ किसकी है समझ ही नहीं आ रहा। एक ये है दीदी की जो लंबे उसमें है माला, और ये उसके इयर रिंग्स, एक ये है पूरा, ये देखिए ये इसके इयर रिंग्स है, ये और शिवांश पागलपंथी हो रही है शिवांश को, मौसी को परेशान करते हुए, ये रहा बच्चा, ये देखो हाँ ठीक है, देंगे मिल जाएंगे तो दे देंगे, खाना जी के नहीं लेने। ये देखो ये कितना प्यारा सा, ये रेड कलर और वाइट स्टोन में, और कितना सुंदर शाइन, बहुत सुंदर शाइनिंग, और इसके इयर रिंग्स है। और एक ये है सेट गले का, रुक जा शिवांश रुक जा, तुम जाओ बाहर जाओ। और एक ये है, बिल्कुल ये सिंपल सोवर है, लेकिन इसके स्टोन बहुत शाइन, बहुत ही सुंदर है ये भी, अगर आपको सिंगल सिंपल पहनना। और एक ये है इसी में से लॉन्ग में, देखो माला टाइप में जो होती है, इसका कहाँ है?
उनको बहुत ही पसंद है, अब से नहीं बहुत पहले से, जब मुंबई भी रहती थी ना दीदी तब से गुजरात में, और अभी तक भी चीज़ें हैं वहाँ की संभाल के भी, मतलब इनको पसंद भी है और अच्छे। और ये देखो शिवांश पहन के एक ये रहा कितना, ये भी बहुत प्यारा लग रहा है। शिवांश नीचे मत गिराना, स्टोन निकल जाएगा बेटे, छूट जाएगा। ये देखो माला, सारी माला पहन पहन के देखियो, ये देख लटका के रहती है। और ये है दीदी का वो जो उन्होंने अभी न्यू, वैसे ये तो अभी खरीदा था, वैसे तो काफ़ी सारे ऐसे हैं जो ये उसके इनके लहंगे के साथ के हैं, ये वाला ये बहुत सुंदर है, ये भी कितना पीच कलर है, इस कलर कितना प्यारा है, देखो बहुत प्यारा है। इसमें ना स्टोन छोटे छोटे से वो भी हैं मोती वाइट कलर के दिख रहे हैं, कितने सुंदर वर्क है। और देखो ये सिर्फ इयर रिंग्स हैं, और ऐसे भी नहीं, कुछ तो इसमें सच में महंगे भी हैं और कुछ तो जैसे ये 100 रुपीज़ के हैं, लेकिन पैसे के अकॉर्डिंग बहुत सुंदर। और ये वाले इयर रिंग्स देखो 100 100 मतलब सही में यार, ये तो अब अलग 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 जगह पे अलग अलग रेट होते हैं। ये भी शायद नहीं कहीं थे, ये वो हैं राजस्थानी है। और ये कितने क्यूट है, ये सच में 100 रुपीज़ के हैं इयर रिंग्स भी दिख पाते हैं, ये वाले झुमके टाइप में हैं। कितना दिखाऊं मैं, इतना है कलेक्शन अभी और निकले जा रहा, अभी दीदी क्या क्या ढूंढ रही है। ये भी कहाँ दीदी इयर रिंग है, लो भाई देखो चूड़ी मिल गई मेरे को तो बैठे बिठा। ये दीदी ने मंगाई थी मीशो से चूड़ियाँ, और साइज आ गया दीदी का छोटा, उनको भी याद आ गई, कुछ और ढूंढ रही थी और निकल गया ये डब्बा, ऐसे ही होता है अक्सर। और ये मेरे को यहाँ पे चूड़ी मिल गई है गिफ्ट में, देखो ऑरेंज कलर की प्यारी है, बहुत सुंदर है। ये मेरे को इयर रिंग्स कितने लगाएगा मेरे कानों में, ये वाला भी सेट है दीदी का, प्यारा है, बहुत सारे सेट हैं देखो आप देख ही सकते हो कैसे लगे आपको बताना दीदी का ये सेट, ये ज्वेलरी कलेक्शन जरूर बताना। एक ही इस तरह की है दीदी के पास, ये जो तीन लेयर की है माला है, तो ये भी है, चूड़ियां भी दिखाती हूँ, और ज्वेलरी कलेक्शन के साथ साथ आपको दिखाती हूँ दीदी की चूड़ियां। वाओ ये तो बहुत लाख वाली है, एक लाख लाख वाली है, लाख कौन सी लाख वाली है, एक लाख की है ये, सरारा गरारा लाख कौन सी है। दीदी ने पूरे बेड पे अपना दुकान खोल दिया जिसको भी और यहाँ है इसके टोटल काउंटिंग के, ये देखो इतना सुंदर है दीदी का सच में यार, कितने बात होती है ना दीदी को, बहुत शौक है इन चीजों का, देख रहे हो ये खरीदने का, तो मतलब इनको चीज अच्छी लग गई ना तो लेनी ही है, वो अच्छा उसका नंबर आ रहा है, ये देख रहा है ये कितने ब्यूटीफुल, ये सच में बताना फ्रेंड्स ये कंगन कैसे लगे आपको, ये कितने प्यारे हैं, कितने और एक देखो ये है, ये तो मल्टी कलर है, किसी का हाथ कट जाएगा सुमन, ये सारे हाथ कट जाएगा बेटा, और ये देखो मांग वाली है, ऐसी चीजों का इनको बहुत शौक है दीदी का, देखो किस तरह से लगाया हुआ और खोज ही रहे थे कि यहाँ मतलब कमी नहीं मिलेगी, जहाँ देखो एक इयर रिंग ये लटके पड़े, अरे भाई एक और ये लटके, और देख रहे हैं दीदी के ये मैं हमेशा दिखाती हूँ जब भी मैं दीदी घर आती हूँ, राधा कृष्ण ये बहुत ही प्यारे लगते हैं सच में यार, ये बहुत ही प्यारी है। हाँ दीदी ऐसा सच में, अरे शिवांश मेरे को कंगन पहनाया जा रहा पे एक ही में। गानों में देखना कैसे बड़े बड़े पहना रहा कैसा देखो तेरा मम्मी ये पहन के दे, ये ले। तो फ्रेंड्स हम आ गए हैं दीदी के घर पे, और आज हमारा है बस कहीं नहीं जा रहे बेटा, कहीं नहीं जा रहे, शिवांश को चिंता हो रही है कि मैं कहीं जा रही हूँ, बट मैं कहीं जा नहीं रही हूँ, मैं नहा के आई हूँ, मॉइस्चराइजर वगैरह लगा लिया, सुबह सुबह इन दिनों में हो जाता है, और यहाँ पे भावरा दीदी के घर पे हूँ मैं, अनु सब के घर पे, और हमारा है दूसरा दिन, और भाई अपने काम पे गए हैं, जिया जी अपने काम पे गए हैं, दोनों बच्चों की रेस्ट कर रहे हैं, अभी एक पढ़ाई कर रहा है। अनु ने बनाई है दाल, अरहर चने की दाल है,
टेस्टी सी दाल है। और मैं जा रही हूँ दीदी जगह ये नहाने, कुछ कपड़े भी हैं धोने, तो मैं तब तक आटा लगा के कान्हा जी के लिए बना देती हूँ रोटियाँ, और शुभांश की भी थोड़ी तबीयत खराब हो। फ्रेंड्स हमने खाना वाना खा लिया है और यहाँ पे हम थोड़ी देर के लिए लेट मार रहे हैं, दीदी अपने फोन में बिजी है। मैं बस अपनी वीडियो थोड़ा अपलोड करने जा रही हूँ, पब्लिक करने जा रही हूँ, और मुझे टाइम का पता ही नहीं चला, बनी हुई रखी थी वीडियो। और ये देखो शिवांश, शिवांश तो कहाँ पर है, और इसे फाइनली भानु मौसी घर पहुँच गया, घर की लगी हुई थी। कौन सी बात,